दोस्तों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज 17 अप्रैल से हो रहा है। इस बार न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है और इन 5 T20 मैचों की सीरीज के शुरुआती 3 T20 मुकाबले पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में होने हैं, जबकि चौथे और पांचवें T20 मुकाबले का आयोजन गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होना है। आज के इस वीडियो में दोनों टीमों के बीच होने वाले शुरुआती 3 T20 मुकाबले के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी का हम पिच रिपोर्ट लेके आए हैं। वीडियो जबरदस्त है दोस्तों, अंत तक देखिएगा। लेकिन चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल पर ऑल वाला बटन ऑन कीजिए। साथ ही दोस्तों अब तक आप हमसे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर लिंक ना काम करे तो टेलीग्राम पर जाकर क्रिकेट एक्सपर्ट बाय विवेक के नाम से सर्च करके आप जा सकते हैं। यहां पर टॉस के बाद सभी मुकाबलों के लिए ऑफिशियल पिच रिपोर्ट देने के साथ साथ सबके लिए हम फैंटेसी टीम भी देते हैं। फिलहाल दोस्तों बात करें रावलपिंडी की पिच के बारे में तो यह बैटिंग पैराडाइज पिच है। यहाँ पर ढेरों स्कोर बनते हैं। यहाँ पर एक समय होता था कुछ साल पहले जब यह पिच तेज गेंदबाजों को काफ़ी मदद करती थी, जब शोएब अख्तर जैसे गेंदबाज यहाँ से बिलोंग करने के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी क्रिकेट खेलते थे। लेकिन अब थोड़ी सी परिस्थितियाँ बदल गई हैं, अब बल्लेबाजों के अनुकूल यहाँ पर पिचेज देखने को मिलती है। T20 का स्टेट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर अब तक सिर्फ 5 T20 मुकाबले हुए हैं और उनमें से एक मुकाबला कंप्लीट भी नहीं हो पाया था बारिश की वजह से। तो ये जो 5 मुकाबले हुए हैं जिनमें से 4 कंप्लीट हुए हैं, हर बार चेज करते हुए ही मुकाबले जीते गए हैं। कभी भी यहाँ पर पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने मुकाबला नहीं जीता है और जैसा कि हमने बताया एक मुकाबले का रिजल्ट नहीं निकल सका था बारिश की वजह से। अब दोस्तों बात करें एवरेज स्कोर की तो पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 155 और दूसरे इनिंग का एवरेज स्कोर 154 का है। दोस्तों ये एवरेज स्कोर ये बताने के लिए काफ़ी नहीं है कि ये बल्लेबाजी के पिच है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो 4 मुकाबले कंप्लीट हुए हैं, 3 मुकाबलों में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का आमना सामना हुआ है और तीनों ही बार जिम्बाब्वे की पहले बैटिंग रहती थी जिसकी वजह से जिम्बाब्वे की टीम ज़्यादा स्कोर बना नहीं पाती थी और पाकिस्तानी गेंदबाज जल्दी से उनको रोक के और आसानी से मुकाबले जीत लेते थे, जिसकी वजह से एवरेज स्कोर यहाँ का अभी काफ़ी कम है, जिसको काफ़ी ऊपर जाना अभी बाकी है। अब दोस्तों बात करें हाइएस्ट टोटल की तो ये न्यूजीलैंड के नाम है जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट 4 विकेट पर 194 रन बनाया गया था और ये स्कोर भी चेज करते हुए बनाया गया था। तो वहीं पर दोस्तों लोवेस्ट टोटल में जिम्बाब्वे की टीम 2020 में पाकिस्तान के अगेंस्ट 7 विकेट पे 134 रन बनाई थी। अब दोस्तों यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर चेज की हम बात करें तो जैसा कि हमने बताया न्यूजीलैंड की टीम 19.2 ओवर में 194 रन बना के पाकिस्तान के अगेंस्ट पिछले ही साल मुकाबला जीता था और जैसा ये भी बताया गया है कि अब तक यहाँ पर पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने मुकाबला नहीं जीता है, तो यहाँ पर कोई भी स्कोर ऐसा नहीं है जिसको डिफेंड किया गया हो। अब दोस्तों इन 5 में से जो 4 मुकाबले कंप्लीट हुए हैं, पहले इनिंग का स्कोरिंग पैटर्न देखें तो 150 से कम 2 बार और 150 से 169 तक का योग 1 बार बना है। ये तीनों ही मुकाबले जिम्बाब्वे ने बनाए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसकी वजह से ये एवरेज स्कोर कम दिख रहा है और इसके अलावा 190 प्लस इस वेन्यू पर 1 बार बनते देखा गया है। बाउंड्री की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 70 से 75 मीटर की मॉडरेट किस्म की बाउंड्री हमको देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात कर लें यहाँ पर हुए मुकाबले की तो जो पहला मुकाबला इस वेन्यू का हमको देखने को मिला था 7 नवंबर 2020 को जिम्बाब्वे थी पाकिस्तान के सामने। जिम्बाब्वे की टीम पहले बैटिंग करती है, 6 विकेट पर 156 रन बनाती है। वेस्ले मैथ्यू वीरे की 50 जरूर आती है लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी टीम बाबर आजम के 82 रन की बदौलत 18.5 ओवर में 4 विकेट पर 157 रन बना ले जाती है। अगले मुकाबले में 8 नवंबर 2020 को दोनों टीमें आपस में टकराती हैं। जिम्बाब्वे की टीम 7 विकेट पर 134 तक ही पहुंच पाती है और इस बार पाकिस्तानी टीम को जिताने का पूरा जिम्मेदारी बाबर आजम के साथ हैदर अली उठाते हैं। बाबर आजम 51 करते हैं, हैदर अली के 66 की बदौलत मात्र 15.1 ओवर में 2 विकेट पर 137 करते हुए पाकिस्तानी टीम मुकाबला जीत लेती है। वहीं पर इस सीरीज का जो अंतिम मुकाबला खेला गया था तीसरा T20 मैच 10 नवंबर 2020 को और इस बार जिम्बाब्वे की टीम यहां पर 9 विकेट पर मात्र 129 तक पहुंच पाती है। उस्मान कादिर यहां पर जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, 4 विकेट निकालते हैं, तो वहीं पर पाकिस्तानी टीम मात्र 2 विकेट के नुकसान पर 15.2 ओवर में 130 करते हुए मुकाबले जीत लेती है। इसके बाद दोस्तों आगे के मुकाबलों में अब पिछले
पिछले साल यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम दौरा की थी और दो टी20 मुकाबले यहाँ पर खेलने थे। चौथा टी20 मुकाबला इस वेन्यू का 20 अप्रैल 2023 को हुआ था, जिसमें कि न्यूजीलैंड की टीम 18.5 ओवर में 5 विकेट पर 164 तक पहुँचती है। इसके बाद बारिश की वजह से वहीं पर गेम रद्द करना पड़ता है। और वहीं इस वेन्यू का जो आखिरी मुकाबला हमको देखने को मिला था, ये हुआ था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच। यहाँ पर पाकिस्तान पहले खेलने आती है, 5 विकेट पर 193 रन बनाती है और यहाँ पर मोहम्मद रिजवान की 98 रन की इनिंग आती है। न्यूजीलैंड की टीम जिसकी शुरुआत काफ़ी ख़राब रहती है, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर पर मार्क चैम्पियन ने मात्र 57 गेंदों पर 104 रन की एक बड़ी इनिंग खेल के यहाँ पर कीवी टीम को मुकाबला जिता ले जाते हैं 19.2 ओवर में 4 विकेट पर 194 करते हुए। तो इस प्रकार के यहाँ पर मैचेज हमको देखने को मिले थे और इन 4 मुकाबले जो कम्प्लीट हुए हैं, इसमें अगर हम विकेटों का समीकरण समझें तो इन 4 टी20 मुकाबलों के 8 इनिंग में कुल मिलाकर 39 विकेट गिरे। पहले इनिंग के 27 और दूसरे इनिंग के 12, जिनमें तेज गेंदबाजी कंट्रीब्यूशन 24 विकेट का रहा। पहले इनिंग के तेज गेंदबाजों ने 14 और दूसरे इनिंग के तेज गेंदबाजों के नाम 10 विकेट आए। स्पिनर्स के नाम सिर्फ 15 विकेट आए, जिनमें से पहले इनिंग के स्पिनर्स के नाम 11 और दूसरे इनिंग के 4। एक खिलाड़ी रन आउट हो गया। वहीं पर दोस्तों बात करें दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड टी20 परफॉर्मेंस की, तो दोनों देशों के बीच 39 टी20 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, 21 मुकाबले जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड के नाम 17 विक्ट्री आई है। और जैसा कि आपने देखा, इस वेन्यू पर सिर्फ एक टी20 मुकाबला कंप्लीट हुआ था, एक बारिश वाले मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो, और इस मुकाबले में न्यूजीलैंड को जीत हाथ लगी थी। कुल मिलाकर दोनों ही टीमें बराबरी का है, सीरीज काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।